أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قابل احترام ناظم اجلاس فضيلة الشيخ عبد الحنان أثري حفظه الله ديگر موقر أهل العلم हाज़ा के ज़िम्मेदारान, जमात व ज़मीयत के ज़िम्मेदारान, करीब व बैद से आए हुए हमारे दीनी भाई और इस बजम में मौजूद हमारी माएँ बहनें अल्लाह रब्बुल रब्लम की तौफीक से आज इस दीनी मजलिस में हम सब जमा हैं ये अल्लाह की तोफ़ी है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को इल्म दीन की तलब और उसकी उसके हसूल की कोशिश की तोफ़ी तरमाए ये अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फ़रमाते हैं मनसल का तरीक़न सहल यमन सला बेही तरीक़न जो शख़्स इल्म की तलब में कोई राह चलता है अल्लाह ताला उसकी इस कोशिश के बदले में उसके लिए जन्नत की राह आसान करता है तो जन्नत का रास्ता आसान उसके लिए है जो इल्म के रास्ते पर चले हैं। मुख्तलफ़ इलाक़ों से करीब से बाईज़ से हमारे कई भाई यहाँ पर इस मजलिस में जमा हैं ये हमारे लिए एक सदत की चीज़ है कि न रिश्ते हैं ना नाते हैं लेकिन अल्लाह के दिन की नस्बत पर हम सब यहाँ जमा हैं अल्लाह के दीन की महब्बत की बुनियाद पर एक दूसरे से महब्बत रखना और आपस में मिलना जुलना जिसमें सिवाय दीन के कोई और गर्ज़ ना हो एक इंसान को क़ियामत के दिन अर्श के सय का हकदार बनाता है अल्लाह ताला कियामत के दिन हम सब को अर्श के साय में जमा फरमाएँ आज का जो हमारा नवान है वो है ऐसी चीज़ें वो चीज़ें जो मना हैं मुहर्रमात हैं ममनुआत हैं जिन्हें मुसलमानों में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कुछ चीज़ें तो वो हैं जिन्हें जानते हैं लेकिन शैतान के धोखे की वजह से नफ्स की ग़ुलामी की वजह से जानते बूझते उनमें वाकई होते हैं जैसे झूठ है शराब है जुआ है निगाहों का हिफाजत न करना है बेहयाई है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक तो वो चीज़ें हैं जिन में लोग वाकई होते हैं जानते बूझते लेकिन ईमान की कमज़ोरी की वजह से तकवा की कमज़ोरी की वजह से और दूसरी वो चीज़ें भी हैं जिन्हें लोग सिरे से जानते ही नहीं हैं एक बड़ा तबका मुसलमानों का उनके बारे में नहीं जानता है कि ये मना है आज के इस खिताब में या इस दर्स में हम उन्हीं चीज़ों का जायज़ा लेंगे जो समाज में बहुत सारे लोग नहीं जानते कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का है जो इन चीज़ों को नहीं जानता अल्लाह रबुली ने क़ुरान करीम में फ़रमाया वमा आता कुमर रसूल उफोह वमा नहा कुम फन तू जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ अल्लाह ताली ने दो चीज़ें यहाँ बयान की हैं जो दें उसे ले लो और जिससे रोक दें रुक जाओ दुनिया में भी आप देखें किसी के सेहत का मसला हो और वो तबीब के पास डॉक्टर के पास जाए वो डॉक्टर कुछ उसको करने के काम बताता कुछ नहीं करने के काम बताता है दवाई देता है सुबह में खाओ दोपहर में खाओ शाम में खाओ ये आपके लिए टॉनिक है ये गज़ा है यह आपको क़ुत देगी लेकिन ये नहीं करना ये नहीं खाना फलानी चीज से बचना तो कुछ काम करने के होते हैं कुछ काम बचने के होते हैं जो आदमी वाकई सेहतमंद बनना चाहता है वो डॉक्टर की दोनों बातें मानता है लेकिन अगर कोई आदमी दवाई खाए, टॉनिक पिए लेकिन ऐसी चीज़ें खाने से एतराज न करें जिससे उसकी सेहत ख़राब होती है तो उस ग़ा के और उस टॉनिक के दवा के खाने के बावजूद परहेज़ नहीं करने की वजह से उसकी सेहत ख़राब होगी है लिहाजा एक इंसान को जहाँ करने के काम करना चाहिए वहीं उसको बचने के कामों से भी बचना चाहिए इंसान के दीन का कमाल उसके ईमान की क़ुत इन दो चीजों में होती है कि जिन चीजों के करने का हुक्म दिया गया है आदमी उनको करें लेकिन एक दूसरा मामला है अब दूसरी चीजें हैं कि आदमी को उनसे मना किया गया है। आदमी को चाहिए कि उनसे मना की हुई चीज़ों से बचे अगर आप देखें तो सबसे पहला जो इम्तहान हुआ वो दो तरह का था आदम सलाम का वाक़ अगर आप देखें उसमें दोनों पहलू आपको दिखाई देंगे फरिश्तों को हुक्म था और उसके जिमन में इबलीस को भी हुक्म था क्या हुक्म था सद्दा करो आदम सलाम को सजदे का हुक्म था करने का काम ये करना है हुक्म पूरा करना है और दूसरा मामला आदम सलाम के साथ था नहीं करना है वाला तक रहा ही शजारा इस पेड़ के करीब भी मत जाना तो एक हुक्म था करने का वो इम्तहान था जिसमें इबलीस फेल हो गया और दूसरा हुक्म था आदम सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा ये नहीं करना है उस पेड़ के करीब नहीं जाना है लेकिन शैतान ने धोखे से उनको वही करवाया जो नहीं करना था और उसके नतीजे में क्या हुआ जन्नत से निकाले गए और दुनिया में भेज दिए गए राहत और आसाइश की जिंदगी छोड़कर दुनिया की मशक्कत वाली जिंदगी में आए तो ये दोनों इम्तहान हमारे दुनिया में होने वाले हैं एक अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको पूरा करना दो अल्लाह ने जिससे मना किया उससे एतराज करना उससे बचना और इसी का नाम तकवा है तकवा इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है करने के काम छोड़ने से बचना छोड़ने के काम करने से बचना इंसान क्या करता है करने के काम नहीं करता और नहीं करने के काम करता है इससे उसका दिन खराब होता है कभी ये जहालत की वजह से होता है और कभी ये इंसान के ईमान की कमजोरी और नफ्स को तरबियत न देने और डिसिप्लिन नहीं बनने की वजह से होता है वो जान रहा होता है लेकिन फिर भी आदमी उसका इरतक करता है उन बुराइयों में वाक़ होता है तो आज के दरस में आज के इस खिताब में हम इन कोशिश करेंगे बातें हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं तकरीबन हमारे पास इकहत्तर चीज़ें हैं असल में वो थी ज़्यादा लेकिन आपके लिए वक्त की क्लत को देखते हुए उसको मुख्तर किया गया है वरना इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का अहाता हम नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो आज हमारे सामने आएंगी हम कोशिश करेंगे कि उनको जाने और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें चूंकि वक्त हमारे पास अब से लेकर रात जैसा कि ऐलान भी हुआ है दस बजे तक है आज खास तौर से इस दौर में इतना बैठ के सुनना बड़ा मुश्किल काम है लोगों का जो कंसंट्रेशन का जो कोटा है वो कम हो गया है बड़ी मुश्किल से आदमी कुछ लोगों तो कहा कि दस सेकंड से ज़्यादा आदमी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकता आज हालत ये हो गई हमारी नोटिफिकेशन की बरकत से एक के बाद एक आदमी की तवज्जो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ होती रहती है किसी एक चीज़ पर आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत नुकसान की चीज़ है हम कोशिश करेंगे कि पूरी मजलिस में बैठे रहें आखिर तक इंशाल्लाह मैं भी बैठूंगा और आप भी बैठेंगे ये मशक्क़त का काम है इल्म के लिए तकलीफ़ उठाना ये सलफ़ का तरीका है आप देखें इब्न अब्बास रदी अल्लाह तमां का वाक़ आपने सुना होगा अक्सर ने सुना होगा मैं समझता हूँ कि एक हदीस के लिए वो जाते थे मालूम होता कि फ़लाँ अंसारी साहबी हैं या फ़लाँ सहाबी हैं उनके पास एक हदीस है अल्लाह के नबी सल वसम की जवान थे और सहाबा भी बहुत सारे मौजूद थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त में तो इरादा किया कि हदीसें जमा करेंगे जब मालूम होता फ़लां साहब के पास एक हदीस है तो चले जाते क्या सुबह क्या दोपहर क्या शाम और अक्सर दोपहर के वक्त में उनके घर पहुंचते देखते कहते बाज़त ऐसा होता कि दोपहर का वक्त होता और मैं उनके घर पहुंचता तो मालूम होता कि वो घर में आराम कर रहे हैं धूप होती मैं उनके दरवाजे के बाहर ही अपनी चादर बिछा के टेक लगा के बैठ जाता धूप इंडिया की नहीं अरब की धूप वहां की धूप में मैं बैठा रहता है हवाओं के थपेड़े गर्म हवा मिट्टी उड़ा के मेरे चेहरे पर थपेड़े लगाती रहती मैं उसी तरह बैठा रहता है उनको जगाता नहीं बैठा रहता इंतज़ार में कि कब वो बेदार होंगे और बाहर आएंगे और मैं उनसे हदीस पूछूंगा बैठे रहते हैं जब वो बाहर आते तो देख के कहते नबी के चचाजाद भाई कैसे आना हुआ कुछ काम था मैं कहता हाँ आपके पास एक हदीस है उस हदीस के लिए मैं आऊं कहते हैं कि वो कहते कि मुझको कह देते मैं खुद आ जाता किसी को भेज देते मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं खानदान में से हैं मैं खुद हाजिर हो जाता आपको हदीस बताने के लिए कहते नहीं मैं इस बात का ज्यादा हकदार था कि आपके पास आऊं कहते वो एक हदीस में उनसे लेता इस तरह से एक 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 करके मैंने हदीसें जमा की और फिर इतनी सारी हदीसें मेरे पास हो गई कि एक ज़माना ऐसा है कि एक एक करके सहाबी दुनिया से चले गए और उनका सारा इल्म मैंने जमा कर लिया और फिर लोग उस इल्म के लिए मेरे पास आने लगे तो इस हदीस से आप देखें इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होने के बावजूद हदीस के लिए मेहनत करते थे हमारे खानदान वाले की हदीस है है लेकिन हम जाके हासिल करेंगे बुलाएंगे नहीं उनको आओ जरा बताओ हमारे नबी की क्या हदीस है नहीं खुद जाते थे और बाहर घर के पास दरवाज़े के करीब दीवार से टेक लगा के मालूम नहीं कितना देर बैठे होंगे एक घंटा दो घंटा कितनी देर बैठते होंगे धूप में इंतज़ार करते थे ये जो बैठना है इल्म के लिए इस मुजाहदे की वजह से उनको वो मकाम मिला क्या आज आप देखें हदीसों में इतनी सारी हदीसें उनसे मर्वी हैं और क़ुरान की तफसीर उनसे मर है इल्म में इतना ऊंचा मकाम आसानी से नहीं मिलता है उसके लिए शहद की मक्खी की तरह मेहनत करनी पड़ती है एक एक फूल पे उससे हाँ रस लेके फिर छत्ते में जमा करना पड़ता है उसको तो एक इंसान अगर मेहनत करे तो उसके लिए इल्म जमा करना आसान होता है यूं ही इल्म नहीं आ जाता है कि सो गए और बेदार हो गए हाँ पूरा इल आ गया नहीं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अल्लाह के नबी सल्हलम फरमाते हैं इन नमल नमल्बल सीखने से आता है सीखने की मेहनत करने से इल्म आता है इल्म के लिए मुजाहदा करना चाहिए इस दौर में ये चीज़ बहुत मफकूद हो गई है अल्लाह ताला हम सब के आने को बैठने को कबूल फरमाएं कि आजकल तो बहुत मुश्किल से इंसान दीनी मजालस में हाज़िर होता है कोई ऑनलाइन सुन रहा है और कोई ऑफलाइन सुन रहा है और कोई ऑफलाइन हो जा रहा है तो इस दौर में इल्म के लिए जमा होना बहुत ज़रूरी है क्यों इसलिए कि ये फितनों का दौर है और फितनों से बचने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं एक बसीरत और दूसरे तकवा एक बसीरत दूसरे तकवा एक इंसान के पास वो इल्म हो जिससे वो सही और गलत में फ़र्क कर पाए अगर नहीं कर पाएगा सही को गलत समझ लेगा गलत को सही समझ लेगा और धोखे में आ जाएगा और दूसरी चीज इंसान के पास अगर तकवा ना हो तो जानते बूझते खाई में गिरेगा गुनाहों की जान रहा होगा लेकिन नफ्स उसको घसीट के ले जाएगा और इंसान गलत काम करेगा क्या शराब पीने वाले को मालूम नहीं होता है शराब बुरी चीज़ है लेकिन क्यों पीता है उसके पास ऑप्शन नहीं है सिगरेट पीने वाले को मालूम नहीं होता है उस पर लिखा हुआ होता है स्मोकिंग किल्स लेकिन फिर भी वो पीता है क्यों इसके बगैर चलता नहीं है तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होने की वजह से भी आदमी गुमराह हो जाता है गलत कामों में वाकई होता है अभी अभी कहते हैं, यहम जिसम की राहत के साथ इल्म हासिल नहीं किया जाता जिसम की राहत के साथ इल्म हासिल नहीं किया जा सकता इल्म हासिल करने के लिए जिस्म को थकाना पड़ता है बैठा है हाँ कभी ऐसा कर रहा है कभी वैसा कर रहा है टेक लगा रहा है लेकिन सारे खंभे हाँ ऑक्यूपाइड है तो मेरे लिए कुछ नहीं है तो फिर बैठा है वैसे ही लेकिन जाता नहीं है ये जो मुजाहदा है ये मुजाहदा बहुत बड़ी चीज़ है और हिदायत मुजाहदे पर मौकूफ़ है इंसान चाहता है हम मांग रहे हैं इस दिन शरातमस्तकीम ये जो हिदायत है इसका मदार मुजाहदे पर है इसीलिए अल्लाह फरमाया व लदी न जादूफीना लन् दियन ना हम सुबुलना जो हमारी खातिर मुजाहदा करते हैं मुजाहदा स्ट्रगल करना स्ट्राइव करना मेहनत करना कोशिश करना जो हमारी खातिर मुजाहदा करते हैं भलाई के कामों में लन् दियन ना हम सुबुलना तो यकीनन हम उनको अपनी राहों की रहनुमाई अता करेंगे अल्लाह तक ले जाने वाले हिदायत के रास्ते पर उनकी रहनुमाई हम करेंगे तो मालूम होता है कि हिदायत जुड़ी हुई किसी से मुजाहदे से तो मुजाहदे से पीछे नहीं हटना सुस्त आदमी महरूम रहता है लेकिन मेहनत करने वाला आदमी मंजिल पर पहुंचता है मंजिल पर पहुंचने के लिए दो काम जरूरी हैं एक मंजिल तक ले जाने वाले रास्ते का जानना दो उस रास्ते पर चलना खाली जानने से भी पहुंचते नहीं लेकिन नहीं जानता हो और दौड़ते रहे कहीं पर भी मंजिल नहीं मिलती है सही रास्ता मिलना जरूरी और उस पर चलना भी जरूरी है तो मालूम है कि पहली चीज जानना है तो इस जानने के लिए कैसे जानेंगे हम इस फितने के दौर में मोतबर जराए से इल्म हासिल करना दीनी मजालिस में आना बैठना क्यों इसलिए कि इल्म सिर्फ मालूम का नाम नहीं है इल्म के साथ साथ अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए दिल में तासीर भी उसकी होना चाहिए ये दीनी मजालिस में आने से असर होता है दीनी मजालिस में जब आता आदमी देखिए आप ऑनलाइन सुनिए और मस्जिद में आके सुनिए आपको फर्क खुद मालूम पड़ेगा मस्जिद में आ के खाली आदमी अकेला बैठे तो भी उसके लिए हिदायत के रास्ते खुलते हैं एक आदमी बहुत टेंशन में चुप आके मस्जिद में बैठा तो भी सुकून मिलता है उसको और दिल में गलत इरादे जो बन रहे थे वो भाप बन के उड़ जाते हैं तो दीनी मजालिस का जो माहौल है माहौल का भी एक असर होता है सिर्फ तकरीर का नहीं होता है तो जब हम उस माहौल में आते हैं तो फरिश्ते घेर लेते हैं शकीनत नाजिल होती है अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह अपने मुकद फरिश्तों में उनका तस्करा करता है उनका ज़िक्र खैर करता है ये जो चीज़ है ये उन मजालस के साथ जुड़ी हुई है इसलिए टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की करें आना दीनी मजलिस में ये नहीं कि हम लोग फिर सब अपने अपने, अपने घर में मौली साहब अपने घर में सब अपने घर में कोरोना में चल गया हो उसके बाद उसका मामूल नहीं बनाना चाहिए बल्कि दीनी मजालस मसाजिद को मामूर करना चाहिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज के दौर में चीज़ कम होती जा रही है लोग नहीं आ पाते हैं मौजूद हैं सब कुछ मौजूद है दीनी मजालस हैं लेकिन भी देखते हैं कि लोग आते नहीं हैं का दुक्का आदमी कोई बैठा होगा और फिर वो भी थक जाते हैं कि हम क्यों अपनी जान इनके पीछे खपाएँ जब इनको क़दर नहीं तो ये नहीं होना चाहिए तो अल्लाह तला से तोफ़ी मांगे अल्लाह तब को तोफ़ी दे कि हम जहाँ भी किताब सुन्नत की बात होती हो सलफ़ के मनहज के मुताबिक जहाँ भी किराम दीन मजालिस में लोगों को दीन सिखाते हैं थोड़ी तकलीफ़ उठा के वहाँ पहुँचना बाज़ातनवान ऐसा होता है कि हमको सब मालूम लेकिन फिर भी उसमें जाना क्यों मालूम तो है लेकिन दिल में फिर से असर ताज़ा हो ईमान ताज़ा हो ईमान के ताज़ा करने के लिए जब हम किसी मजलिस में जाते हैं चाहे सारी बातें हमको मालूम हो लेकिन वो असर वो असर असल है जो ज़िंदगी में हरकत पैदा करता है गाड़ी को जो धक्का मिलना चाहिए वो धक्का मिलना ज़रूरी है हमारी जो रुकी हुई गाड़ी रहती है ना उसको चलने के लिए थोड़ा धक्के की ज़रूरत होती है वो दीनी मजालस में हमको मिलता है तो अल्लाह ताला हम सबको तोफ़ी अता फ़रमाएँ कि हम दीनी मजालस में हाज़िर हों अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा आता रसूल रसूलफ वमा नहा फन तु जो कुछ ये रसूल तुमको दें ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो चीज़ें कुरान वाली हैं उनको करो और जिन चीजों से कुरान में मना किया गया है रुको अल्लाह ने नहीं, नहीं कहा इस किसके साथ जोड़ दिया रसूल के साथ फिर चाहे वो बात कुरान में हो या ना हो चाहे वो बात कुरान में मना हो या ना हो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात का हुक्म देते हैं करना पड़ेगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु उस चीज से मना कर देते हैं रुकना पड़ेगा दाढ़ी रखने का हुक्म कुरान में है दाढ़ी का जिक्र है लेकिन हुक्म नहीं है तो क्या ये आदमी कह सकता है कुरान में नहीं हुक्म दाढ़ी का तो हम नहीं रखेंगे नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है दाढ़ी बढ़ाओ तो चाहे वो कुरान में ना हो रसूल ने दिया है तो लेना पड़ेगा कुरान की कैद उसके लिए लगाना इस आयत में नहीं है और किसी भी आयत में नहीं है रसूल ने दिया लेना पड़ेगा ये नहीं बोले कुरान में है क्या ये रसूल को नहीं पूछ सकते अल्लाह ने कहा रसूल ने दिया ले लो और जिस चीज से मना कर दें रुक जाओ मर्दों के लिए रेशम का लिबास हराम सोना पहनना शादी में हाँ दूल्हे के लिए जायज है नहीं ना रेशम जायज़ है ना सोना पहनना जायज है अब ये कुरान में है कुरान में रेशम से मुमानात या इसी तरह से सोना पहनने की ममानत नहीं है लेकिन हदीस में इससे मना किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सोना एक हाथ में रेशम लेके क्या कहा? कहा कि ये दो चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है और औरतों के लिए क्या है हलाल है तो कुरान में वो चीज़ हो या ना हो हमको उसका अहतमाम करना चाहिए उसको कबूल कर लेना चाहिए तो जो हुक्म दिया वो माने जिससे मना किया उससे रुक जाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजीद हदीस हमको इस बात पर यानी मज़ीद वजाहत इसमें होती है अब हुर अल्लाह तन की हदीस है अन अबी हुरई रत कॉल

एक आदमी कहने लगा अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज फर्ज है हर साल हज करना पड़ेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि उस आदमी ने तीन बार वही सवाल पूछा अल्लाह के रसूल हर साल हज फर्ज है हर साल हज करना पड़ेगा हर साल तीन बार पूछा आप खामोश रहे मकाल दरूनी। फिर कहा फ लव फ रसूल लव कुल तुम लवा जब तुम आपने कहा अगर मैं कह देता हाँ तो तुम पर हर साल हज करना लाजिम हो जाता और तुम नहीं कर पाते अगर मैं कहता हाँ तो तुम पर क्या होता लव जबत्स व जबा का मतलब होता है लाजिम हो जाना अगर मैं कहता हाँ सवाल के जवाब में तो तुम पर लाजिम हो जाता क्यों इसलिए कि रसूल जो दें वो लेना पड़ेगा चाहे रसूल वो चीज़ अल्लाह की तरफ से वही की बुनियाद पर कहें या इजतहाद की बुनियाद पर कहे क्योंकि अवाम मुसलमान इस बात के मुक़ल्लफ़ है कि रसूल का हुक्म मानना है रसूल ने जो भी हुक्म दिया उसको मानना पड़ेगा तो कहा कि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर लाजिम हो जाता है और तुम इसको नहीं निभा पाते हैं। फिर आपने फरमाया तुम मकाली मा तर जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, तुम भी मुझे छोड़े रहो यानी किसी मसले में जब तक कि मैं तफसील न बताऊं तुम भी कुरे दो मत तुम भी इंतजार करो मेरे समझाने का बताने का डिटेल समझाने का व अखिलाफ अमबिया इहम इसलिए कि तुम से पहले जो लोग हलाक हुए हैं वो इसी वजह से कि वो अपने नबियों से बहुत सवाल पूछते थे और फिर उनसे इख्तलाफ करते थे अपने नबियों से क्या करते थे इख्तलाफ मूसी सलाम का वाकई आप जानते हैं गाय जबा करो अल्लाह का हुक्म है कैसी गाय होना चाहिए ऐसी गाय होना चाहिए और ज़रा बताओ डिटेल कि कैसी गाय होना चाहिए जितना सवालत पूछेंगे उतना मसला पेचीदा हो जाता है कंडीशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं डिटेल्स और बढ़ जाती हैं और फिर अमल करना क्या हो जाता है दुशवार हो जाता है इसलिए कहा कि जब तक मैं तुम्हें छोड़े रहो तुम भी मुझको छोड़े रहो और तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए हैं वो क्यों हुए नबियों से बेवजह सवालत तफसील के लिए पूछते थे और उसके बाद कुछ और ही करते थे जो हुक्म दिया गया जो तफसीलात और जो कुयुदात बताई गई उसको उसकी पाबंदी नहीं करते थे बल्कि नबियों से क्या करते इख्तलाफ करते जो नबी ने बताया कुछ और ही कर देते थे तो ये क्या हुआ हलाकत का जरिया बना फिर आपने आखिरी बात जो कही वो गौर करें वो आयत की गोया की तफसीर है आपने फरमाया फ़ अमर तो बे फिन तुम जब भी मैं जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो जितना तुमसे हो सके उस पर अमल करो अपनी इस्तात के बकदर उस पर अमल करो वह इधा नहाई तो कुमान शई इन और जब मैं तुम्हें किसी चीज से मना कर दूं, उसको छोड़ दो यहां इस्तितात नहीं कहा क्यों छोड़ने में इस्तितात कहां से होती है कुछ करना ही नहीं है कैपेसिटी की बात कहां होगी जब कुछ करना है छोड़ने में क्या कैपेसिटी है आपको कुछ हरकत ही नहीं करना है का मतलब वहां इस्तेदात की बात नहीं आती है तो जब मैं तुमको कोई हुक्म दो जितना तुम्हारी ताकत हो उसको पूरा करो। मसलन नमाज खड़े होकर पढ़ने का हुक्म है लेकिन किसी की इस्तात ये नहीं भी हो सकती है बुढ़ापे की वजह से बीमारी की वजह से या जिस्मानी एतबार से किसी उजर की वजह से तो फिर वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है तो कैसे पढ़ेगा बैठ के बैठ के भी नहीं पढ़ सकता है तो कैसे पढ़ेगा? उसको पैरालिस हुआ है तो बैठ के भी नहीं पढ़ सकता है। तो कैसे पढ़ेगा? लेट के तो अल्लाह के जो आहकाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उसमें इंसान की इस्त की रियायत है ये हमारे हमारा दीन है जिसमें ये नहीं कि करो या मरो बल्कि कैसा है तुम्हारी जितनी ताकत है उसके मुताबिक तुम करो उसी के मुताबिक तुमसे पूछोगी लाकल्लीफल अल्लाह किसी को ऐसी चीज का जिम्मेदार नहीं बनाता जो उसकी ताकत से बाहर हो किसी इंसान का हिसाब नहीं लिया जाएगा ऐसी चीज में जो उसके बस में नहीं थी लेकिन फिर दूसरी चीज क्या कही कि जिससे मैं तुमको मना कर दूं रुक जाओ मना करूं रुक जाओ उसमें यह नहीं कि कोई आदमी कहे कि मैं ज्यादा शराब नहीं छोड़ सकता थोड़ी छोड़ सकता है हाँ एक घोट तो पीऊंगा मैं इतनी मेरी कैपेसिटी है कर सकते हैं ऐसा का सिर्फ दिन में एक बार खाऊंगा हाँ सिगरेट सिर्फ दो ही पीऊंगा पहले दस पीता था नहीं उसको छोड़ना है फहल अंत मुंत छोड़ना पड़ेगा उसको तो जितनी मनहियात हैं ममनुआत हैं मना चीजें हैं उनका इरतकब नहीं करना है तुम कुछ नहीं करना है बस उसमें कैपेसिटी की क्या बात है तुमको करना ही नहीं है वो छोड़ देना है उसको तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लाकुम दे दें तो वो लाजिम हो जाता है और आपने जिस चीज़ से मना कर दिया उससे बचना जरूरी है इसके लिए जरूरी नहीं कि वो कुरान में भी आया हो आज इस दौर में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुरान को बहाना बनाते हैं ठीक है यह हदीस में है लेकिन कुरान में नहीं है ये कुरान में नहीं तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को करते हैं वो चीज़ मना थोड़ी ना कुरान में है, या फला चीज का हुक्म कुरान में नहीं है हम नहीं करेंगे ये नफ्स के बहाने हैं इंसान बाजत अपने नफ्स के मुताबिक जीना चाहता है लेकिन उस गलत काम के लिए उसको किसी दलील की ज़रूरत होती है तो इस तरह की दलील बनाकर वो अपने गलत काम को करता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना ज़रूरी है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल रसूल फ़ इन, इन ला युहिब्बुल अल्लाहिबलकाफ़िरीन ऐ नबी आप कहिए अल्लाह की मानो और उसके रसूल की मानो अल्लाह की फरमाबरदारी करो उसके रसूल की फरमाबरदारी करो अल्लाह का हुक्म मानो उसके रसूल का हुक्म मानो फ इन अगर वो पीठ फेर के निकल जाए फल्ला हब्बल काफ़रीन तो अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता मालूम कि जो इंसान अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दे, कुरान की बात का इनकार कर दे, जानते बूझते काफिर है इसी तरह से जो आदमी अल्लाह के नबी वसल्लम की बात का इनकार कर दें ये जानते हुए कि नबी की बात है और उसको मालूम है कि नबी की बात है लेकिन फिर भी इनकार कर दें तो यह आदमी भी काफिर हो जाता है लिहाजा ये बात याद रखना चाहिए कि जितनी मना चीजें हैं उनमें जरूरी नहीं कि ये कैद हो कि वह कुरान में हो अगर वह हदीस में है तब भी हमको उससे बचना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें मना होती छोड़ना मुश्किल होता है तो फिर शैतान आके कान में क्या बोलता कुरान में थोड़ी ना ये है कुरान में नहीं है तो फिर मौली साहब से बहस करता है कुरान में कहाँ है कुरान में तो है ना सब है कुरान में ये नहीं है कुरान में, हो हो सकता है हो ये, तो ये सारी चीजें क्यों आती हैं जब इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करता है अच्छा इंसान वो है कि जिसकी ख्वाहिशात उसके इल्म के ताबे हों बुरा आदमी है वो जिसकी जिसका इल्म उसकी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए इल्म ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना चाहिए यही वजह है कि यहूद ने क्या किया फिर जब उनको कुछ करना होता अपनी तरफ से हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लेते थे अदीब ने हातिम की मशहूर हदीस है तो उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? मिन दूनिल्लाह उन्होंने अपने अहबार और रुहबान को अल्लाह के मुकाबले में अपना रब बना लिया किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि शरीयत बनाए दीन अल्लाह की तरफ से आया है शरीयत अल्लाह की तरफ से आई है हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है अल्लाह अपने नबी को बताता है और नबी हमको बताते हैं लिहाजा उसकी पाबंदी ज़रूरी है अपने दिल से हलाल और हराम कर सकते नहीं आज के इस खिताब में इस दर्स में हम उन चीज़ों की तफसील देखेंगे जो या तो हराम हैं या फिर बस मना है हराम और मना में फर्क रहता क्या? हाँ कुछ चीज़ें हराम हैं और कुछ चीज़ें मना है लेकिन हराम नहीं है उनका छोड़ना बेहतर है जिसको इल्म मकरूह कहते हैं अफसोस है कि बाज लोग मकरूह का इनकार करते हैं। इस्लाम में कोई मकरूह नहीं है ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मना किया गया लेकिन वो हराम नहीं है उनका छोड़ना बेहतर है लेकिन उनका करना गुनाह नहीं है आइए देखते हैं इस ताल्लुक से क्या दलील है हकम इब्ने अम्र कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन यतवद्दा अर्रजुल बिफदल तहूर इल्मर इमाम अहमद तिर्मिदी नसई इब्ने माजा ने इसको रिवायत किया और हदीस सही है फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि आदमी औरत के बचे हुए पानी से वजू करे किसी बर्तन में औरत ने वजू किया उसके पानी से पानी बच गया अब उस पानी से क्या वजू कर सकते कि नहीं मर्द कर सकता के नहीं आपने मना किया औरत के बचे हुए पानी से वजू नहीं करना अब जब मना कर दिया तो क्या ये हराम हो गया कुछ चीज़ें ऐसी हैं असल कायदा उसमें यह है कि जब अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम किसी चीज से मना कर दें वो हराम है उससे बचना है क्योंकि हदीस हमने क्या देखी जब मैं किसी चीज से तुमको मना कर दूं तो क्या करो उसको फद उसको छोड़ दो लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो चीज हराम नहीं होती है लेकिन उसको छोड़ना बेहतर होता है तो अल्लाह के नबी वसल्लम से कौला या अमलन ऐसी कोई दलील मिलती है कि आपने कहा कि ये तो भी चलेगा या आपने उस पर उसके खिलाफ यानी जिस चीज़ से मना किया आपने उसको किया भी तो आपका उस पर अमल करना बताता है ये हराम नहीं है अगर ये हराम होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत ऐसी है कि आपके क़ौलम से लोगों को दीन मालूम पड़ता है तो कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखानी पड़ती थी जिसको आपने मना किया है जिसका छोड़ना बेहतर है लेकिन ये दिखाने के लिए कि यह हराम नहीं है ये छोड़ना बेहतर है लेकिन अगर कर ले तो गुनाहगार नहीं होगा इसकी क्या दलील है आइए दूसरी हदीस हम देखते हैं इब्न अब्बास रद्ला तौन कहते हैं नबी सी जफना जफना एक बड़े इस तरह के बर्तन को कहते हैं जिसमें पानी रखा जाता है अल्लाह के नबी वसल्लम की बीवियों में से किसी बीवी ने एक बड़े बर्तन में उसके पानी से गसल किया फजा नबी सल्मा लिए के नबी वसल्लम तशरीफ लाए और आपने इरादा किया कि उस बचे हुए पानी में से वजू करें या गसल करें फ़कालत लहू या रसोल्ला आपकी जवाज महतरमा ने क्या कहा अल्लाह कहा के रसूल मैं जनाबत की हालत में थी और इस पानी से मैंने गसल किया तो ये जनाबत के गसल का बचा हुआ पानी है नहाने के बाद गसल करने के बाद जो पानी रह जाता है बर्तन में ये वो पानी है और इससे अल्लाह के नबी ने मना किया है तो उन्होंने याद दिलाया कहा कि ये ये जो पानी है ये जनाबत के गसल का बचा हुआ पानी है तो आप इससे वजू करेंगे या कौन तो जुनूबन मैं जनाबत से थी जुनूबी उसको कहते हैं जो जनाबत की हालत में हो जनाबत की हालत कौन सी है इंसान बीवी से ताल्लुक कायम करें इंटरकोर्स या उसको एहतलाम हो उस हालत में गुसल से पहले की हालत को क्या कहते हैं जनाबत की हालत उसको जुनूबी कहते हैं क्यों इसलिए कि वो जनाबत हट के बाजू हो जाता है कट जाता है वो उसको पाक साफ होना पड़ता है तब जाकर वो नमाज पढ़ सकता है नमाज से दूर हो जाता है वो तो जनाबत जो है ये हालत है जिसमें इंसान पर गसल वाजिब होता है तो कहा कि मैं जनाबत की हालत में थी अल्लाह के रसूल फ़काल रसूल सल सल्ला पानी जुनूबी नहीं होता है तुम जनाबत की हालत में थी तुमने उससे गसल किया ये जो पानी है ये नापाक नहीं है ये जनाबत वाला ये ये जुनूबी नहीं होता है यानी इससे वजू और गसल किया जा सकता है आपने अच्छा कोई ये कह सकता वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था भाई हमारे लिए तो यही है कि मत करो सही है क्या नहीं अल्लाह के नबी वसल्लम ने हमको मना किया कि नहीं मना किए और आपने उस पानी से गुस लिया वजू किया तो हमको तो मना कर दिए और आपने किया तो ये क्या कहा जाएगा कि ये सब के लिए है या आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला के लिए खास है, है? सबके लिए कैसे मत रसूल कदू तो आप तो मना किए ना उससे हाँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में दलील है लेकिन आपने इसमें थोड़ी कहा ये सबके लिए है आपने तो अपने केस में कहा ना सबके केस में मना किया है लेकिन अपने केस में आपने उसको इस्तेमाल किया तो क्या यहां कहा जाएगा कि ये आपके साथ खास है या नहीं ये भी एक दलील है कि अगर आ, ये खास होता तो आप बयान करते कि ये मेरे लिए खास है लेकिन यहां तो ऐसा कुछ कहा नहीं है उससे आगे एक और चीज है आपने यहां पर अपने बारे में कुछ नहीं कहा आपने पानी के बारे में कहा आपने क्या कहा अला युजनिब पानी पानी जुनूबी नहीं होता कौन सा मेरे घर का पानी कौन सा पानी यानी एक औरत अगर जनाबत की हालत में हो और वो गुस्ल करें तो उसका जो बचा हुआ पानी होता है वो जुनूबी नहीं होता है मेरे घर में या सबके घर में सबके घर में तो आपने पानी के बारे में बताया जिससे मालूम होता है कि ये हुक्म सारे लोगों के लिए आम है समझ में आया हदीस को कैसे समझते हैं तो आपने पानी के बारे में बताया जिससे मालूम होता है कि एक हुक्म क्या है आम है आपने नहीं कहा मेरे घर का पानी या ये मेरे लिए खास है या तुम्हारे लिए खास है ऐसा नहीं कहा बल्कि आपने कहा इन अलमाम में सारे पानी आ जाते हैं तो आपने कहा पानी जुनू भी नहीं होता का मतलब ये सब के लिए है कि कोई इंसान अगर उससे वजू और गसल करना चाहे तो उसके लिए जायज है तो ममनुआत में दो तरह की चीजें हैं एक वो हैं कि जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है हराम लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जिनसे मना किया है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो उसकी इजाजत देकर बता दिया कि यह हराम नहीं या फिर खुद करके बता दिया कि यह हराम नहीं है तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जिनको कहते हैं कि क्या है मकरूह मकरूह का मतलब क्या होता है नापसंदीदा नापसंदीदा मिसाल के तौर तो पर आप देखिए लोग बैठे हुए और एक आदमी नाक में उंगली डाले बार बार क्या हराम है कोई दलील है आपके पास उसके हराम होने की नहीं है लेकिन ये पसंदीदा चीज नहीं है ये अखलाक में से नहीं है इस तरह की कई चीज़ें होती हैं कि जो यानी हराम नहीं होती है लेकिन पसंदीदा नहीं होती तो कैटेगरी ऐसी नहीं कि या तो फर्ज होगा या तो हराम होगा ऐसा नहीं है उसके दरमियान में और चीज़ें भी हैं फर्ज के नीचे और थोड़ा होता है वो क्या होता है मुस्तहब पसंदीदा है कि करना अच्छा है तहज्जुद की नमाज क्या है फर्ज है नहीं है पांच की नमाज फर्ज है लेकिन ताजुद की नमाज मुस्तहब है अब कोई आदमी अगर की नमाज पढ़े तो गुनागार होगा नहीं लेकिन की नमाज न पढ़े तो गुनागार होगा तो, हो तो करने के कामों में भी दो तो तरह की चीजें हैं एक, एक एक करना ही पड़ेगा और दूसरी करे तो अच्छा नहीं करे तो गुनागार नहीं ताज पढ़े तो अच्छा लेकिन नहीं पढ़े तो गुनाहगार नहीं होगा इसी तरह नहीं करने के कामों में भी दो तरह की चीजें हैं बिल्कुल नहीं करना एक तो ऐसी भी चीजें और दूसरी चीजें कैसी ना करो तो बेहतर है ना करो तो बेहतर तो उसका ना करना ज्यादा बेहतर है ऐसी चीजों को क्या कहते हैं मकरू जिसके तर्क पर सवाब मिलता है तो कितनी हुई कुल मिला के चीजें कितनी किस्म की हो गई चार अब एक बीच में बच गया उसको क्या कहते हैं मुबाह जायज है पानी पीना क्या है फर्ज है, हाँ? हराम है? मुस्ताहब है क्या है उमुबाह है पिए तो कोई सवाब नहीं नहीं पिए तो कोई गुनाह नहीं ऐसी चीजें जिनका करना और न करना बराबर है न करने पर सवाब है ना छोड़ने पर गुनाह है ऐसी चीजों को क्या कहते हैं जायज है या उसको क्या कहते हैं मुबाह है मुबाह है हाँ मुबाह का हुक्म हालात के अतबार से बदल सकता है कभी वो ना की तरफ भी जा सकता है कभी हाँ की तरफ भी जा सकता है लेकिन असलन वो व क्या होता है वो चीज़ मुबाह है फल खरीदना क्या है फर्ज है या हराम है मकरू है मुस्ताहब क्या है जायज है भाई खरीदो नहीं खरीदो तुम्हारी मर्जी लेकिन मेहमान के लिए खरीदना उसके लिए सवाब मिलेगा और शराब बनाने के लिए खरीदना हा? अगर फल खरीद रहा है शराब बनाने के लिए तो अब क्या हुक्म लगेगा उस पर वो हराम है लेकिन अगर इफ्तार के लिए खरीद रहा है तो लोगों को इफ्तार कराने के लिए अब वो सवाब की चीज बन जाएगा समझ में आई बात तो इस तरह से यानी आमाल का हुक्म बदल जाता है लेकिन असलन कोई चीज़ क्या होती है बाज़ात वो मुबाह होती है तो पांच किस्म के हुक्म याद रखना चाहिए फर्ज या वाजिब उसको कहते हैं एक करना ही पड़ेगा किए तो अच्छा मुबाह तेरी मर्जी कर मत कर उससे फिर ना की तरफ जा रहे हैं मकरोह मत कर ज्यादा बेहतर यही है नहीं करना लेकिन हराम मत कर बिल्कुल नहीं तो ये क्या है हराम है याद रहेगा ये ये पांच किस्म के अहकाम होते हैं दो करने वाले दो नहीं करने वाले एक बीच में तेरी मर्जी करना है कर नहीं करना है मत कर हम भी अपनी जुबान में कहते हैं आऊं क्या नहीं तो बोलते तेरी मर्जी भाई आना या मैं तो मत आ तो अब हमने क्या कर दोनों का मामला बराबर कर दिया आना है आओ नहीं आना है मत आओ तो ये दोनों बराबर हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दोनों बराबर हैं उस पर ना सवाब है ना गुनाह उसको मुबाह कहते हैं या उसको जायज कहते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मना है लेकिन वो हराम नहीं है तो आइए देखते हैं ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल ने मना किया है हराम चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कबायर में आती हैं हराम चीजों में कुछ चीजें क्या हैं कबायर में हैं, कबीरा गुनाह है जो चीज हराम होती है वो गुनाह होता है जिससे मना कर दिया गया वो हराम होता है अल्लाह ये कि कोई दलील हो जिससे मालूम पड़ेगी हराम नहीं है ये छोड़ना अच्छा है लेकिन अगर ऐसी कोई दलील ना मिले तो वो चीज क्या हो जाती है हराम हो जाती है और हराम में भी डिग्रीज होती हैं उसमें भी मरातिब होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सख्त हराम है जैसे शिरक है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कबीरा है या नहीं है तो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तुम और इसी तरह से इब्ने तयम और इल्म ने ये बातें बयान की हैं कि जिस चीज़ पर जहन्नम की वईद हो अल्लाह की लानत की वईद हो जिससे अल्लाह के गुस्से को बताया गया हो कि अल्लाह इस पर गुस्सा होता है अल्लाह उससे नफ़रत करता है या उसमें दुनिया में अजाब आने की धमकी हो तो ऐसे जितने गुनाह हैं जिस पर लानत हो इस तरह की जितने गुनाह हैं वो सब के सब क्या हैं कबीरा गुनाह है जिस पर जहन्नम की जहन्नम के अजाब की या दुनिया में अजाब की धमकी हो अल्लाह के गुस्से लानत का बयान उस पर हो या उस पर दुनिया में शरीयत में कोई सजा रखी गई हो चोरी पर हाथ काटना या इसी तरह से जीना पर संसार करना या कोड़े लगाना इस तरह की जितनी भी खदूद उस पर कायम की गई हो तो ऐसे सारे गुनाह क्या हैं कबाइर कबीरा गुना हैं। कबीरा किसको कहते हैं बड़े सगीरा छोटे तो कुछ गुनाह कबीरा होते हैं कुछ गुनाह छोटे तो गुनाहों में भी हराम चीजों में भी मना चीजों में भी डिग्रीज होती है तो जितना बड़ा गुनाह होगा उससे उतना ज्यादा बचने की कोशिश करना चाहिए तो ये बुनियादी है इसको याद रखें ताकि शरीर अहकाम के समझने में आपके लिए आसानी हो आइए देखते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो मना है नंबर एक खाने पीने में फोंकना खाने पीने में फोंकना चाय गरम चाहिए ठंडी नहीं लेकिन फूक के पिएंगे आमतौर से लोग क्या करते हैं नहीं मालूम होता ये मना है चाय पियेंगे तो क्या करेंगे उसमें फूकेंगे आदत ऐसी पड़ जाती है कि बाज़ा शर्बत में फूकते हैं हाँ चाय में फूक फूक के आदमी पीता है बादज औकात खाना गर्म होता है तो माँ क्या करती है प्लेट में बच्चा और बहुत गर्म है तो माँ क्या करती है उसमें फूक के उसको ठंडा करके उसको देती है तो खाने में और पीने में फूकना क्या है मना है खाने पीने में फूकना मना है इब्ने अब्बास रद्दी अल्लाह तम कहते हैं नहा रसूल सल्लाफ़ व शराब अल्लाह के रसूल सल्लाम ने खाने में और पीने की चीज़ में फूकने से मना किया है खाने की चीज़ में और पीने की चीज़ में फूकने से मना किया है यहाँ ये याद रखें कि तीन चीज़ें हैं एक है नफ़ दूसरे हैं तनफस और तीसरे हैं नफ़।, नफ़ नफ़ किसको कहते हैं जैसे हम बलून में गुब्बारे में फूकते हैं गुब्बारे में बलून में फूकते हैं उसको क्या कहते हैं नफखा तो ये नफ़ होता है इसी तरह यहां इसी से मना किया गया है फूकना इस तरफ इस तरह से फूकना के मुंह के रास्ते से आदमी हवा बाहर निकाले तो ये फूकना हुआ दूसरा होता है नाक से सांस लेना और बाहर छोड़ना व तनाफस तो सांस लेना ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं तीसरा होता है नफा नुक्ते वाले सा फा तो नफ्स जो होता है ये थुतकारने को कहते हैं इस तरह से रुकिया में नफसा इसको करते हैं जब हम रुकिया किसी पर करते हैं बच्चे को नजर लगी या कुछ भी इस तरह से रुकिया उसको कर रहे हैं तो कोई भी दुआ पढ़ते हैं क्या करते है? उसे हैं उसे फूकते नहीं है क्या करते है? उस हैं उस पर थुतकारते हैं फिलोकद नफसा जो होता है वो थारने को कहते हैं हदीस में दो चीज़ों से मना किया गया है एक नफ् और आगे जैसा आएगा तनफुस ये दोनों चीजें मना है तो इस हदीस में जिस चीज से मना किया गया वो क्या है फूकना और दोनों चीजों पे फूकने से मना किया गया है खाने पर भी और पीने पर भी बाद खाना गर्म होता है आदमी लुकमा ले तो लग लेता है भूख लगी है इसलिए देखता फिर बहुत गर्म है फिर क्या करता मुंह से उस पर फूकता है और फूक के फिर खाता तो खाने पर या पीने की चीज पर गर्म चीज पर फूक के उसको खाना पीना मना है इससे बचना चाहिए बैक्टीरिया है नहीं है वो बात की बात है हमको मना किया गया है हमको इससे मना किया गया है इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लाह और इसमें से मना किया है और बेहतर यह है कि इंसान खाना ठंडा करके खाए लेकिन वलीमे में क्या होता है हा? हमको कैसा खाना चाहिए एकदम एकदम गर्म चाहिए खा तो नहीं सकता है लेकिन चाहिए कैसा एकदम गर्म बेहतर यह है ये है कि खाने का जो उसकी गर्मी है वो निकल जाने के बाद उसको खाया जाए और अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं ये ज्यादा बरकत होती है इस खाने में क्या होती है ज्यादा बरकत जिसकी गर्मी निकल गई हो और बहुत गर्म गर्म है हमको अजाब देने के लिए कहा गया अपने आप को नहीं बात लुकमा खा लेता है में डाल लेता है उसके बाद जो है उसको क्या करता फिर हाँ फुटबॉल की तरह उसको ये करना शुरू कर देता है तो ये कौन बताया आपको इतना गर्म खाने बोला कौन मतलब कुरान में हुक्म है हदीस में यहाँ नहीं सोचता किसने कहा आपको इतना गर्म खाने के लिए तो ऐसा गर्म खाना भी मुनासिब नहीं और इस तरह से यानी फूंकना खाने पीने में मुनासिब नहीं है इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सर इना तुम में से कोई शख्स जब पानी पिए तो वो बर्तन में सांस न ले बुखारी अलबुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है मैं हवाले नहीं दे रहा बस किताबों के नाम बता रहा हूं एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोग अपने नोट्स में आपके सामने वो है तो बर्तन में सांस लेने से मना किया है आपने देखा होगा बच्चों को जब खेल के आते हैं और पानी पीते हैं तो कैसा करते हैं उसी में सांस लेते हैं करना क्या चाहिए एक घोट पिए बर्तन हटाए सांस लिए फिर पिए बर्तन मुंह से हटाया सांस लिया फिर पिया और उसके बाद बर्तन हटाया सांस लिया फिर पीना चाहे फिर पिए उसकी मर्जी लेकिन पीने के दरमियान तीन मरतबा सांस लेना चाहिए तो बर्तन में सांस लेने से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मना किया है लेकिन आम तौर से देखने में आता है कि लोग करते कोई मना किसी को करता नहीं बच्चे पानी पीते उमूमन बच्चे जो हैं ग्लास में सांस लेते हैं उनको सिखाना चाहिए लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं नानी अम्मा क्या बोलती है अभी बच्चा है तो बच्चा इसलिए तो सिखाना है उसको ताकि बड़ाओ के ना करे कोई आदमी स्कूल को किसी को भेज रहे हैं तो बोलता है मत भेजो अभी बच्चा है बोलते ऐसा नहीं वहां नहीं बोलेंगे अरे इतनी इतना उसकी चोटी की जिस उसका हाल है शकर लेके जाती है उसके वजन से ज्यादा तो बच्चा उसका बैग उससे ज्यादा वजनी लेकिन बराबर आप स्कूल भेज रहे ये नहीं बोलते अरे अभी तो बच्चा है पढ़ने लिखने की थोड़ी ना उम्र ही है बोलते आप थोड़ा बड़ा होने दो समझदार होने दो फिर पड़ेगा खूब जिंदगी पड़िए पढ़ने के लिए नहीं बोलते ऐसा लेकिन जहां दीन के सीखने का सिखाने का मामला आता है और अगर बाप या माँ या कोई घर का कोई बड़ा भी कभी बाजात सिखाने की कोशिश करें तो क्या करते हैं छोड़ो अभी बच्चा है बाद में सीख लेगा नहीं सीखता कोई भी बाद में सिखाता है वो ऐसा नहीं ऐसा खाओ ऐसा नहीं ऐसा पियो तो बचपन ही से बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए न खाने पीने में फूकना है न बर्तन में पीते वक्त में सांस लेना है तो ये दोनों चीज़ें मना है लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो पहले तो इनको जानता नहीं और दूसरे वो लोग हैं जो इसका कोई अहतमाम नहीं करते हैं आइए दूसरी चीज़ देखते हैं री खारिज होने पर हंसना आमतौर से लोग हंसते हैं किसी की गैस निकल गई भाई तो उसके ऊपर सब क्या करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं हसते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यदहिक मिन अदरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा किसी की निकल जाए तो उस पर हंसने से मना किया है उस पर हंसने से मना किया इमाम तबरानी ने अपनी किताब अलमजमसत में इसको रिवायत किया है और हदीस सही है इससे मालूम होता है कि अगर किसी की गैस निकल जाए तो उस पर हंसने से परहेज़ करना चाहिए अब इसमें दो बातें हैं एक तो ये कि इंसान को बेख्तियार हंसी आ जाए तो गुनहगार नहीं होगा हाँ ये चाहिए कि वह ना करे ना हंसे लेकिन ये कि लोग सब मिल के हंसना शुरू करें उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें तो ये चीज़ क्या है ये मुनासिब नहीं है बाज अव ये होता है कि घर के बड़े होते हैं उम्रें हो जाती हैं उनकी और उनको दवाइयाँ वगैरह खाते हैं और पेट में गैस हो जाती है और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते और ना उनको कंट्रोल करना चाहिए तो जब गैस निकलती है तो आवाज़ के साथ निकलती है अब सारे घर के लोग क्या करते हैं बच्चे बड़े सब उनका मजाक उड़ाते हैं तो ये चीज़ परहेज़ करना चाहिए ये चीज़ छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक भी जा सकती है बड़ों का अदब इससे ख़त्म हो जाता है तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना इस पर इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है अब हम ये कहेंगे तो बहुत छोटी चीज है इसमें क्या इतना ज्यादा सीरियस मामला है बचना चाहिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से मना करें तो उससे बचना चाहिए वमा नहा कुमान हो फंता हो जिस चीज़ से अल्लाह के नबी वसल्लम मना करें उससे रुक जाओ नंबर तीन ईशा से पहले सोना और ईशा के बाद गपशप करना इससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ईशा से पहले सोना और ईशा के बाद चैटिंग करना ईशा के बाद बैठ के गप्पेबाजी करना बात करना नहीं है वाकई जो मना है वो क्या है बेवजह की यहां वहां की बातें करते टाइम पास करना और इधर उधर की गपशप करते बैठना इससे मना किया अल्लाह के कि नबी अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्हल के सहाबी हैं अबू बर्जा रदी अल्लाह तु कहते हैं नहा रसूल अल्लाम आनी नऊ में कबलादीफी बदहा यानी ऐशाखिर इमाम अहमद अबू दाऊ तिरमिदी नसी इबन माजा इबन हब्बान और इबन खुजैमा ने इसको रिवायत किया है और यह हदी सही है अल्फाज इब्न अब्बान के हैं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने ईशा की नमाज ईशा उल आखिरा से बुरा दूसरी ईशा वो ईशा ऐन दो ईशा कहते थे मगरिब को भी ईशा कहते थे और ईशा को भी ईशा लेकिन ईशा उल आखिरा उसको कहते बाद वाली ईशा आखिरी ईशा तो रात वाली जो ईशा जिसको हम ईशा कहते हैं उसके बाद उससे पहले सोने से मना किया क्यों मना किया कहते हैं इसलिए कि नंबर एक अगर ईशा से पहले सो गया तो सो ही जाएगा और ईशा का वक्त निकल जाएगा ईशा का वक्त कब तक है फज्र तक है ना है कि नहीं ईशा का वक्त आधी रात तक है आधी रात तक यानी आप मगरिब से रात शुरू होती है और फज्र का वक्त हो जाए तब रात खत्म होती है तो मगरिब से लेकर फज्र के वक्त तक जितने घंटे हो रहे हैं आप उसको आधा करें और उसके बाद जो आधा पहला है वो कहाँ ख़त्म हो रहा है आप देखिए कितने घंटे हो रहे हैं वो जो है ईशा का वक्त तब ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इंसान गुनाहगार हो जाता है उसके बाद इंसान अगर नमाज पढ़े ईशा की तो गुनाहगार होता है तो मान लीजिए कि अगर छः बजे मगरिब हो रही है और छः बजे फजर का वक्त शुरू हो रहा है तो आप कितने घंटे हो गए हाँ, तो अब रात के बारह बजे क्या होगा ईशा का वक्त खत्म होगा लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं आगे पीछे होता रहता है तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए क्यों इसलिए कि सर्दियों की रात बड़ी होती है और गर्मियों की तो बदलेगा ये नहीं कि मिडनाइट को आप हमेशा बारह पकड़ के चले नहीं आपको मौसम के हिसाब से देखना चाहिए कि कितना वक्त हो रहा है तो आधी रात तक ईशा का वक्त होता है अगर आदमी सोया रहे का दो बजे उठता है रात में थका हुआ है आके हाँ बच्चा सो गया कंपनी से ऑफिस से आके सो गया तो सो गया खाना भी नहीं खाया जो सोया तो कब उठा रात में दो बजे जबकि सब सो गए हैं ईशा का वक्त चला गया तो और अगर मान लीजिए जल्दी भी उठता है अगर ईशा के वक्त तक भी उठ जाता है तो उल्मा ने कहा कि वो आदमी बोझल होगा उसका ध्यान नमाज में लगेगा नहीं वो एकदम सुस्त होगा तो या तो सुस्ती होगी या तो फिर नमाज ही चली जाएगी इस वजह से ईशा से पहले सोने से मना कर दिया है नंबर दो वलफ इबादहा ईशा के बाद गपशप से भी मना कर दिया है क्यों मना हो सकता है ये अवला तो बेफायदा चीजों में मशगूल इंसान को नहीं होना चाहिए लेकिन उसका नुकसान दूसरा क्या है ईशा के बाद इंसान गपशप करे तो क्या नुकसान है उसका दूसरी नमाज जाती है कौन सी की रात में आदमी बैठा रहता है दो से तीन बजे तक यहां वहां की पूरी बातें और फिर उसमें कभी बैठ के होती हैं और कभी ऑनलाइन होती है ऑनलाइन होती है लोगों से ऑनलाइन बातें कर रहा मैसेज पे मैसेज मैसेज पे मैसेज फिर उंगलियां थक गई तो मुंह से शुरू हो जाता ऑडियो में मैसेजेस वहां से यहां से चलता रहता है और उसका पबजी भी खेलते आजकल लोग हाँ पबजी में बताते भी वहां से वहां से उसको वहां से उसको मार और रात में देर देर तक आदमी बैठा रहता है देर देर तक बैठे रहते हैं आपस में मिलजुल के खेलते हैं इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक दूसरे को बचाते हैं, मरने से हाँ पबजी से क्या क्या हो रहा देखो यहाँ से वहां भी लोग आ रहे हैं मुल्कों में सफर कर करके जा रहे हैं लोग ना इस्लाम से कोई इनको लेना देना है ना कुछ है बस इस्लाम का नाम खराब करना है और क्या है क़लिमा पूछे तो नहीं आ रहा हाँ और फिर मुसलमान है तो रात में बैठ के ये सारी गपशप करना इससे क्या होता फजर की नमाज जाय हो जाती तो इसलिए रात में गपशप नहीं करना इल्ला ये कि वो क्या हो कोई वाकई जरूरत की चीजें हो कि कोई आदमी मसलन बीवी से बातचीत कर रहा है क्या है बच्चों का क्या चल रहा है और क्या बीमारी के ताल्लुक से या घर के खर्चों के ताल्लुक से रात में ही दोनों की मुलाकात होती बेचारा ये काम को चला जाता है अपने काम में रहती रात के वक्त में मुलाकात उनकी भी ठीक है लेकिन वो भी क्या होना चाहिए बहुत ज़्यादा लंबी बातें इस तरह की नहीं होना चाहिए कि बैठे दोनों भी गपशप करते बैठ गए नहीं तो ये रात का जो वक्त है आराम करके सुबह फजर में जल्दी से आदमी उठ जाए अक्सर आप देखेंगे नौजवानों की फजर कहाँ होती बिस्तर में ऐसा नहीं होना चाहिए माँ बाप उठाते उठाते थक जाते हैं और ये उठता ही नहीं है और फिर उठेगा कब आठ दस बजे नहीं फज्र की नमाज में आदमी को हाजिर रहना चाहिए बूरी खली फी बुको हा मेरी उम्मत की बरकत दिन की शुरुआत में रखी गई है मुसलमान इलाकों को आप देखिए रात में देखिए और सुबह में देखिए हाँ रात में क्या दिखेगा मेला और सुबह में मेला मराठी का कब्रिस्तान की तरह बस्तियां दिखाई देंगी एकदम सन्नाटा सब बिजी हैं काहे में में देखने गैर मुस्लिमों की बस्तियां आप देखिए वो इलाके जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं रात में एकदम वो लोग क्या हो जाएंगे सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे बस खत्म फैमिली फैमिली घरों में चले जाएंगे और सुबह में आपको मिलेंगे कोई स्कूल जा रहा कोई कंपनी में ऑफिस पे जा रहा कोई तजारत के लिए जा रहा मुसलमान अल्लाह खैरजी में हा दस बजे भी दुकान पे गए बारह बजे भी गए तो कुछ नहीं होता है बुरी कली उम्मती फी बरी हा बल्कि आपने दुआ की अल्लाह बारी उम्मती उम्मतीफी बकोरी हा अल्लाह मेरी उम्मत की बरकत उसकी सुबह में रख तो इस वक्त जया नहीं करना चाहिए चाहे इल्म के एतबार से हो चाहे रिस्क के अतबार से हो इस वक्त को जया नहीं करना हो कैसे कर जया होता हो रात की गप की वजह से गप्पेबाजी की वजह से रात में आदमी जल्दी सो जाए इल्ला ये कि कोई इल्मी मजालिस हो ठीक है उसके लिए गुंजाइश हो सकती है लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले हैं अहले इल्म को आपने देखा होगा रात रात भर दीनी मुजाकिरे करते थे लेकिन वो फजर की नमाज जया करते थे नहीं तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए गुंजाइश है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम और अबू बकर और जो किबार साहबा थे रात में इशा के बाद भी बैठ के बाद मशवरे उनके होते थे उम्मत के तल्ल से तो इमाम बुखारी ने उसको ज़िक्र किया सही बुखारी में तो ये उन लोगों के लिए है कि जो रात में कुछ मुफ़ी गुफ्तु करें क्योंकि दूसरे अवात उनको नहीं मिलते हैं और फिर फज्र की नमाज ज़ाय न करें लेकिन जिस इंसान को अंदेशा हो कि मेरी फ़जर की नमाज चली जाएगी तो उसके लिए बेहतर मुनासिब नहीं है कि वो रात में ईशा के बाद भी गपशप करता बैठे तो यहां कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के पहले सोने और ईशा के बाद गपशप करने से मना किया है एक और हदीस है जिसमें आपने फरमाया लिमुसल्लिन लि औ मुसाफिरिन आपने फरमाया रात में जागना नहीं है हाँ मगर ये कि आदमी नमाजी हो या मुसाफिर हो नमाजी हो या मुसाफिर हो तो इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया और यह हदीस सही है यानी कोई यानी नमाज पढ़ रहा है तो मान लीजिए वो बीवी से कुछ बात बोलता है पानी रख दो बिस्वाक रख दो या इस तरह की चीजें हैं या कुछ दीनी गुफ्तगुलमा ने कहा कि उसके अंदर शामिल की जा सकती है कि कुछ नसीहत की बातें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे और आपने अपनी बीवियों को जगाया और आपने उस वक्त में कुछ बातें नसीहत की, की इस तरह की और भी हदीसें आती हैं तो इस तरह की कोई बात हो तो उसके लिए गुंजाइश है या मुसाफिर हो कोई आदमी तो मुसाफिर क्या करें आपस में बात करें जिससे ड्राइवर के साथ आप रात में सफर से लौट रहे हैं और चुप बैठे एकदम खामोश रात में बात नहीं करना तो क्या होगा हाँ उसको नींद आ जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है तो उसके बाजू वाले को क्या करना पड़ता है जगाना पड़ता है ड्राइवर को कराटों से नहीं बातचीत के जरिए से बातचीत के जरिए से कि उससे बात करता रहता है उसमें हाँ कैसा वो गाड़ी कैसी है वो कैसा है वो रास्ता कैसा है वो बुलाने इलाके का क्या तो बात करते करते उसको नींद नहीं आती है तो इस तरह के जो है सफर में आ, मुसाफिर जो है गुफ्तु कर सकता है हमारा दीन कितना प्यारा है देखिए उसमें हर हाल के एतबार से रियायत आपको मिलेगी तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि रात ये चीज हराम तो नहीं है लेकिन इससे बचना चाहिए क्यों इसलिए कि इसमें अगर यकीनी तौर पर फजर छूटने का अंदेशा हो तो उस पर हुक्म भी हराम का लगेगा लिहाजा रात में बैठ के जो लोग फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चैटिंग में लगे रहते हैं बहुत सारे लोग डिबेट वाले रहते हैं उसमें आ जाओ खाना हो गया सबका आ जाओ ग्रुप में आ जाओ अब आज किस मसले पर बहस होगी कौन का हाँ और फिर उसमें रात और रात रात देर तक बहस करते हैं कि फजर की नमाज में ऐसा है कि नहीं है वितर की एक रकत है कि तीन रकत है कि कितनी रकत है रात रात भर देर तक बैठेंगे और फिर न वितर पड़ी न फजर पड़ी अक्सर जिस चीज़ की बहस कर रहे हैं उसी को ज़ाय कर देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं नंबर चार गिरा हुआ लुकमा छोड़ देना खाने की कोई चीज़ नीचे गिर गई तो अम्मा क्या सिखाती बच्चे को बेटा जो नीचे गिरा हुआ है उठा के नहीं खाना हमारे दिन में क्या है इसका बराक्स है अगर कोई चीज नीचे गिर जाए उसको शैतान के लिए नहीं छोड़ना उसको उठा के साफ करके खाना इल्ला ये कि वो नजासत में गिरा हो अगर नजासत में गिरा तो फिर नहीं लेकिन अगर नीचे गिर गया घर में कोई चीज गिर गई हम नीचे से उठा के नहीं खाते गिरी हुई चीज उठा के नहीं खाते इतने हाई लेवल के हम लोग हैं लेकिन पैसे गिर गए तो छोड़ते बैतुल खला में भी गिर गया तो निकालते उसमें से हाँ वॉलेट गिर गया बैतुल खला में क्या करता नहीं नहीं हम तो नीचे से नहीं गंदगी में से नहीं लेते हम लोग बहुत बड़े लोग हैं हम लोग ऐसा करते नहीं बीवी को बोले अगर आके ऐसा था तो बोले जाके वापस जाके लेकर आ जाओ हाँ छोड़ता आदमी ये सब नखरे हैं ये चीज नहीं करना चाहिए है अल्लाह का रिस्क है वो अगर गिर गया उसकी कदर करना चाहिए उठाए आदमी उसको पहुंच के खाए उससे आदमी छोटा नहीं नहीं होता गरीब नहीं हो जाता हाँ ये के लोगों को दिखाई दे देखो कैसा गरीब आदमी नीचे से उठा के खा रहा नहीं आ, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक भी होते हैं आप देखेंगे उनको कोई चीज गिरी हुई रोटी का टुकड़ा मिला उठा के बाजू में रख देते वो लोग उनको मालूम होता है वो गरीबी से आए हुए होते हैं उनको मालूम होता है कितनी मेहनत से रोटी मिलती है भूखे रह के हम लोगों ने मेहनत करके आज इतनी बड़ी कंपनी हमारी बनी है लेकिन उसी कंपनी में आदमी चपरासी होगा वो बहुत हाँ नवाब होता है एकदम की कदर करना चाहिए अगर अल्लाह ताला पानी ना बरसाएं और जमीन से अनाज ना उगाएं क्या करेंगे पैसे का और आप अफ्रीका में देखिए कैसा पानी होता है और कैसा खाना उनका होता है कैसी जिंदगी उनकी है उनके लिए नीचे का उठा के खाना आप देखें कुछ वीडियोस ऐसे भी लोगों ने भेजे हैं कि आदमी मतलब पानी गंदा पानी है बिल्कुल ठहरा हुआ और रोटी जो है उस पानी में डुबो डुबो के खा रहा है कचरे में से लोग उठा के खाते हैं तो याद रखें रिस्क को जाय नहीं करना चाहिए नीचे गिरा हुआ उठा के खा ले बच्चों को सिखाया बेटा कोई बात नहीं उठाओ खाओ उसको पोचो उसकी मिट्टी साफ करो खाओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही सिखाया है उससे हम छोटे नहीं हो जाते उससे हम लोग बैकवर्ड नहीं हो जाते हैं उससे हम लोग अक्लमंद होते हैं नेमत की कदर करना अक्लमंदी है नेमत को ज़ाय करना बेवकूफ़ी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन न शैतान عند كل شيء من इन حتى يحضره عند طعامه शैतान तुम्हारे साथ हर हाल में शरीक रहता है हर हाल में तुम्हारे साथ रहता है यहाँ तक कि तुम्हारे खाने में भी तुम्हारे साथ में आ जाता फिदा सक़तम जब तुम में से किसी का लुकमा निवाला गिर जाए तो जो भी मिट्टी धूल मिट्टी उसको लगी हुई हो उसको पहचे उसको पहुँचे ثم ليأكلها फिर उसे खा ले वाला शैतन और उसे शैतान के लिए ना छोड़े जो गिर जाता है और आदमी छोड़ देता है वो कौन खाता शैतान यानी इसमें हिस्सेदार और भागीदार बनाओ इसके रिस्क में वो तो उस शैतान के लिए ना छोड़े फरगा फिदा और जब वो खाने से फारिग हो जाए तो अपनी उंगलियां क्या करें चाट ले तक इसलिए उसे नहीं मालूम खाने के किस हिस्से में बरकत थी उंगलियों में अगर खाना लगा हुआ है तो उसको यूं ही झटक ना दे उसको ही पोच ना दे यूं ही धो न ले बल्कि क्या करें उसको उंगलियों में जो खाना लगा है उसको चाट ले चाहे फाइव स्टार होटल में हो और तो इतने बड़े बड़े लोग उनके सामने उंगली चाटूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर अच्छी बात है तू भी हंस लोगों के हंसने से शर्माता है अल्लाह के नबी वसल्लम का हुक्म पूरा करना लोग हंसे या रोएं लोग हंसे या रोए लोगों को नहीं देखना अल्लाह उसके रसूल का हुक्म देखना तो बड़ी सी बड़ी होटल में भी आप हैं तब भी आराम से आपने खाया हाथ से आपका दिल बोला खाऊंगा चलो और उसके बाद हाथ हैं फिर आप क्या कर रहे हो एकदम अच्छा बहुत महंगा रुमाल है इसको पूछो हाँ फाइव स्टार होटल है उससे पूछ रहा आदमी उससे नहीं पहुँचेगा उंगलियां चाट लेना चाहिए लोग बोलेंगे कितना फकीर आदमी देखो तो जरा भी नहीं छोड़ता खाना हाँ प्लेट पूरी पहुँच के खा रहा छोड़ने का रहता थोड़ा उसके अंदर नहीं बल्कि प्लेट साफ करके खाएं शैतान के लिए न छोड़े और उंगलियां चाट ले उसके किस हिस्से में बरकत है तू नहीं जानता यानी गजा का कोई हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद होता है कुत का जरिया होता है कौन सा है नहीं मालूम हो सकता है एक दाना चावल का हो और वह आप खा लें और आपके लिए कुत का जरिया बने अल्लाह तमें आपके लिए बरकत डाल दे तो खाने का हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए हाँ ठीक है दावतों में आप गए तो वहां बेचारे लोग क्या करते हैं खाओ 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 बोल के जबरदस्ती डालते हैं वहां प्लेट से ज्यादा पेट की सोचना वहां आदमी इतना लोग डाल देते हैं और खाता है आदमी क्या आता घर पे आके तकलीफ शुरू हो जाती है बीमार पड़ जाता है तो वहां वैसा नहीं डालने का इख्तियार आपको खाने का मेरा हा अपने हाथ से ले रहा बूफे सिस्टम फिर क्या है उसमें हाँ ये भी होना वो भी होना अब आंख का हिसाब अलग रहता है और पेट का अलग रहता है आदमी की लालच जो है पेट उसका मुताहमिल नहीं होता है पेट छोटा है लेकिन लालच क्या है बड़ी सारे इसमें से इधर से ले रहा उधर से क्योंकि वली में अपना थोड़ी ना है दूसरे का है सब इसमें से बर पूरा जमा था लोग भी देखे हैबत खाते खाए कहता तू इतना क्यों लाया अरे कोई दूसरा ले लेगा ले इसमें से हाँ इतना उठा के ला लेता है और फिर खा नहीं पाता है उसको अच्छा फिर जो लोग होते हैं दावत देने वाले वो उसको ले जाके वापस तो नहीं डालेंगे लोग हाँ गुस्सा करेंगे उसको तो वो लोग क्या करते हैं वो सब किधर जाता फेंकने में जाता है आदमी जितना खा सकता है उतना ले जितना खा सकता है उतना ले ये नहीं कि आदमी पूरा ले ले और नहीं खाए और वो फेंकने में चला जाए तो क्या कहा वला यदा एक लुकमे की बात हो रही है शैतान के लिए एक लुकमा भी नहीं छोड़े हैं और ये पूरी आप देखिए शादियों के बाद आप देखिए कितना खाना फेंकने में आता है ये तरीका हमारा सही नहीं है लालच अच्छी चीज नहीं है आदमी उतना ही ले जितना वो खा सकता है अब पूरा खाना जरूरी है क्या मतलब जरूर क्यों खाए पूरा भाई जो तुझको खाना है वो खा लेकिन सोचता है कि भाई फ्री में मिल रहा है तो पूरा खाना है अपने को लेना पूरा है लेकिन खा नहीं सकता वो खाना जाय होता है और गुनाहगार होगा वो खाना जाय करने पर तो हदीस में ये बात हमको मिलती है कि हम गिरा हुआ छोड़े नहीं और उंगलियां चाट के खा लें उसको जो छोड़े नहीं की शैतान के लिए तो हम बच्चों को ही सिखाते अगर कुछ गिर जाए रास्ते में चलते चलते बिस्किट वगैरह गिर जाए और वो उठाने की कोशिश करके बच्चा हमसे ज्यादा समझदार रहता सोचिए बच्चा फौरन उठाने जाता उसको मैं खाऊंगा उठा के उसको मां बाप उसको क्या था? अरे नहीं उठाना बेटे नहीं खाते ऐसे उठा के उसको ये उल्टा सिखाते हम लोग उसको उठा के पहुंच के झाड़ के उसको खाना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खजूरें सूखी खजूरें आपके हाथ में थी और आप उसमें फोंक के कीड़े जो उसमें होते हैं साफ करके उसको फिर उसके बाद उसको खा रहे थे खजूरों में बाज अवकात जब सूख जाती हैं तो उसमें कुछ जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं हमारे नबी सज उसको भी फूँक के साफ करके उसमें से उनको निकाल के फिर खा रहे थे उसको यानी कि फेंक दिया उसको तो याद रखें कि ये उसकी कदर तब होती है जब नहीं मिलता और कोरोना में आप देखिए बड़ी बड़े मुल्कों का क्या हाल हुआ है पूरे मॉल खाली हो गए यहां तक के टॉयलेट पेपर भी नहीं मिल रहा था लोगों को क्यों इसलिए कि अब इसके बाद हमको नहीं मिलने वाला है तो लोगों को जब खाना नहीं मिला तो मालदार लोग भी उनके पास खाने के लिए नहीं था पैसा है लेकिन पैसे का करेगा क्या तू फिर लोगों का दिया हुआ खाना पड़ा उन लोगों को क्योंकि दुकान ही बंद है सब लाएगा कहां से भाई उसके इलाके की सारी दुकानें बंद तो पैसा रह के भी दुकान नहीं है तो फिर कहां से क्या उगाएगा एक दिन में बच्चों को क्या खिलाएगा तब मालूम पड़ता है की कदर क्या है जब इंसान अक्सर मसला इंसान का यह है कि चीज़ों की नेमत की कदर उसको खोने के बाद आती है नेमत की कदर उसके पाने में होना चाहिए खोने में नहीं लेकिन इंसान का मामला ऐसा ही है तो गिरा हुआ लुकमा छोड़ देना ये भी जो है ये बुरी बात है मना है नंबर पाँच तीन ढेलों से कम से इस्तिंजा करना इस्लामी अहकाम ये है कि अफजल ये है कि इंसान पेशाब पाखाने की सफाई किससे करे पानी से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम उमूमन पानी से पेशाब पाखाने की सफ़ाई करते थे लेकिन इस्लाम में इस बात की भी इजाज़त है कि अगर पानी मैसर ना हो तो इंसान क्या करे ढेले इस्तेमाल करे चाहे वो पेशाब का मामला हो या पाखाने का और इससे इंसान पाक हो जाता है इसमें कोई मसला नहीं है ये नहीं कि फिर उसके बाद जरूरी है कि पानी से भी करे। जरूरी नहीं है उससे ढेले से करने से पाक हो जाता है कोई मसला नहीं है लेकिन आम तौर से लोगों में देखा जाता है कि वो एक ही ढेला इस्तेमाल करते हैं जब पेशाब से सफाई करते हैं अल्लाह के नबी सला ने तीन ढेलों से कम से मना किया है तो चाहे पेशाब करें कितने ढेले लेना चाहिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं सलमान अल फारसी रदी अल्लाह तआला हु कहते हैं क़ील लहू قد अल्लमकुम नबीयुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल كل شيء حتى क़िराअ किसी मुशरिक ने उनसे कहा हज़रत सलमान से कहा तुम्हारे नबी तो तुमको सब सिखाते पेशाब पखाना भी सिखाते नबी हो के ऐसे छोटे काम सिखाते तुमको तो कहा तुम्हारे नबी तो तुमको सब सिखाते हैं पेशाब पखाना ये भी तुमको सिखाते मजाक के तौर पर कहा तो फल उन्होंने कहा हाँ ये भी सिखाते हमको हमारे नबी शर्मिंदा नहीं हुए बल्कि उसको अपने लिए शर्फ समझा के हमको अल्लाह ने ऐसा नबी दिया कि बड़ी बड़ी चीजें भी सिखाता हुकूमत चलाना और पेशाब बना सफाई वो भी सिखाता छोटे से बड़ा सब हमको हमारे नबी ने सिखाया है काम का अजल हाँ हमारे नबी ने हमको ये भी सिखाया है और फिर डिटेल भी बताई उसकी कहा लकद नहाना अन तकबिलक़ल तल अबलिन हमको हमारे नबी ने इस चीज़ से मना किया है कि पेशाब हो पाखाना हो हम किबला रुख करने से बचें हमको किबला रुख होने से मना किया है तो खुले मैदान में किबला रुख होकर पेशाब पाखाना करना मना है खुले मैदान में पेशाब पाखाना कोई आड़गर ना हो ये मना है हमको मना किया है और अन्न यमीन और हमको इससे भी मना किया है कि हम दाएं हाथ से पेशाब पाखाने की सफाई करें इससे भी मना किया है मिन मीन अहजार और हमको इससे भी मना किया है कि हम तीन ढेलों से कम पत्थरों से करें, तीन ढेलों से कम से इस्तिंजा करें इससे भी मना किया है औस्तन बेरजीन औ बे आगमिन और हमको इससे भी मना किया है कि हम गोबर या हड्डी से इस्तेजा करें गोबर या हड्डी से इस्तेजा करें एक मरतबा अल्लाह के नबी खजा हजत के लिए गए साहबी से कहा कि मेरे लिए जाओ पत्थर ले आओ कुछ तो उन्होंने दो पत्थर लाए और एक गोबर का टुकड़ा था वो लेकर आ गए आपने दो पत्थर लिए और गोबर का टुकड़ा फेंक दिया कहा कि जाओ पत्थर ले आओ इसलिए कि ये क्या है नजस है क्योंकि वो क्या था गधे का गोबर था तो उसको फेंक दिया और कहा पत्थर लेकर आओ तो आपने दो पे इक्तिफा नहीं किया बल्कि फिर क्या कहा तीसरा ले आओ तो तीन से कम में इस नहीं करना चाहिए चाहे पेशाब हो या पाखाना हो तो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है लेकिन आमतौर से लोगों को ये बात मालूम नहीं होती है वो एक ही ढेले से सफाई करते हैं उसको काफ़ी समझते हैं वक्त अगर ढेला ना हो तो पेपर जो टिश्यू पेपर होता है इस तरह का ख़ास बना हुआ होता है उसको इस्तेमाल करने में भी कोई हरज नहीं है लेकिन ने कहा कि ऐसा कागज़ नहीं होना चाहिए जो इल्मी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है या इसी तरह से रोटी वगैरह जैसी चीज़ कुछ खाने की नहीं होना चाहिए जिससे आदमी सफाई करे ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए क्यों इसलिए कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने हड्डी और कोयले से मना किया क्यों इसलिए कि ये गज़ा किसकी है जिन्नात की गजा है तो ने कहा जब जिन्नात की गजा मना है कि उनके नफे की चीज़ है उससे इस्तेजा नहीं करना है तो इंसानों की नफे की चीज़ से भी करना नहीं है तो ये सारी चीज़ें हदीस में जो आई हैं उससे इस्तेमाल ने किया है तो इस हदीस को इमाम

कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में जा रहे थे फना मारा जुल हम उस सफर में थे तो एक आदमी उनमें से सो गया एक साहब सो गए नींद लग गई बैठे बैठे वो सो गए तो कुछ लोग गए और एक साहब गए और उनके जो तीर थे वो तीर चोरी से छुपा के ले लिए गायब कर दिए फलमू फिर वो साहब जागे बेदार हुए तो उन्होंने देखा मेरे तीर मेरे तीर कहा घबरा गए जरा और उनकी घबराहट को देख के सारे लोग क्या करने लगे हंसने लगे कैसे डरहा है देखो उसको घबरा रहा है कैसे फलमू फज या फल कऊ फ्लाह के नबी सल्लाह और इसमें पूछा क्यों हंस रहे आप लोग क्यों हंस रहे फकाल नबलिया का उस कोई और बात तो नहीं बस हमने इनके तीर छुपा लिए तो ये क्या हो गए घबरा गए इनकी घबराहट को देख के हम लोग हंस रहे हैं इनको जैसे हमने डराया तो उसको उस डराने पर इनके डर को देख के हम लोग हंस रहे हैं नींद से जाके घबरा गए तो उसको देख के हम हंस रहे हैं फकाल रसूल लास्लिन मुस्लिम किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए दूल्हे की चप्पल छुपाते नहीं आ? एक रसम बना बनाई हुई गई क्या उसकी क्या है चप्पल छुपा देते हैं या इसी तरह से बच्चों को डराते हैं अंधेरे में जाएगा भूत आएगा हाँ बाहर जाएगा भूत पकड़ के ले जाएगा अवलन तो ये झूठ है दूसरे है, तीसरे क्या है मुसलमान को डराना है गलत है या अचानक फोन आएगा अरे वो तेरा दोस्त मालूम कल तो उसके साथ बैठा हुआ था हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया मर गया एकदम डर गया डर गया और एकदम घबरा गया उसके बाद क्या बोल रहे हैं अप्रैल फूल अप्रैल फूल उसको हाँ आज एक तारीख अप्रैल की जायज है नहीं ऐसा मुसलमान को झूठ बोल के डराया जाए या किसी की चीज छुपा के उसको डराया जाए तो इस तरह की सारी चीजें ममनू है मना है तो कहा कि तुमको किस चीज ने हंसाया कहा है और कोई बात नहीं बस इनके तीर हमने छुपा लिए तो वो डर गए उनको देख के हम हंस रहे हैं कहा किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए तो इस तरह से बल्कि इसमें ये चीज़ भी दाखिल है कि बहुत सारे मुसलमान इंटरनेट पे ऐसी पोस्ट डालते हैं जिसमें किसी का कत्ल दिखाया जाए या उसमें फसाद दिखाया जाए ने कहा कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए इस तरह की चीज़ों को आम नहीं करना चाहिए कि एक मुसलमान को लिंचिंग हो रहा है और इस तरह की उसकी उसको जलील किया जा रहा है लोग ऐसे वीडियो बनाते क्यों हैं आप गौर कीजिए जो लोग लिंचिंग वगैरह करते हैं मॉब लिंचिंग उसके वीडियो लोग बनाते हैं और वीडियो बना के क्या करते हैं आम करते हैं क्यों करते हैं ऐसा ताकि आप देखें और आप डरें उसको देख के और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको और फैलाते हैं ठीक है आप नहीं डरे लेकिन कितने सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं मर्द तो मर्द औरतें भी होती हैं बच्चे भी उसको देखते हैं उसको देखने से मुसलमानों का मोरल डाउन होता है अपने साथ देखो कैसा हो रहा है कोई कुछ कर तो नहीं पाता है जाके उसको बचा तो नहीं पाता है। वो तो पास्ट का है, हो गया हो। लेकिन वो देख के हमारी, हमारे हौसले कम हो जाते हैं और हमारे अंदर एक कमजोरी का एहसास पैदा होता है जिल्लत का एहसास आता है इसीलिए बाज उल्लामा ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए इसका कुछ आउटपुट इसका हासिल कुछ भी नहीं है हाँ आप ऑथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ तक पहुँचाएँ या मुल्क के जो जिम्मेदार कस्म के लोग हैं जो अच्छे बुरे हालात में कुछ फैसले ले सकते हैं मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते हैं उन तक आप पहुँचाएँ वो ऐसे कामों को करें वो एक और बात है लेकिन हर मुसलमान तक इसको पहुँचाना और उसके नीचे मैसेज डालना इसको जहां तक होता है फैलाइए ये कौन सी अकलमंदी है उसको देख के लोग डरते हैं घबराते हैं कि भाई वो दीन में कमज़ोर हो जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए इससे बचना चाहिए तो किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुसलमान को डराए धमकाए उसमें ये भी आता है कि ऐसे पोस्ट लोगों को भेजे जाएं जिससे वो डर जाए ऐसे पोस्ट नहीं भेजना चाहिए तो ये जो हदीस मैंने बयान की इसको इमाम अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया और ये हदीस सही है नंबर सात नमाज़ के लिए दौड़ कराना नमाज के लिए दौड़ कर आना क्यों दौड़ कर आना जमात पाने के लिए लोग क्यों दौड़ के आते हैं भाई रुकू मिल जाए या जमात मिल जाए तो जब जमात खड़ी आकबीर उला जो है उसमें हम लोग शरीक हो जाएं तो इसके लिए दौड़ के आते हैं तो इससे मना किया गया है मस्जिद में आएं जैसे आदमी घर से निकले तो वक़ार के साथ चल के मस्जिद में आए और वक़ार के साथ सफ़ में आके शरीक हो जाए लेकिन लोग क्या करते हैं एक तो लेट निकलते और उसके बाद मस्जिद पहुँचते हैं मस्जिद पहुँचने के बाद किसी तरह से जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं और दौड़ के दौड़ते 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 सफ में शरीक होते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेके दाएं भी तकलीफ़ बाएं भी तकलीफ़ और पीछे से भगदड़ जो मचती है उससे लोगों की नमाज़ का खुशू जो पढ़ रहे होते हैं उनकी नमाज का खुशू खराब होता है मस्जिद में दौड़ कर नहीं आना चाहिए बल्कि वक़ार के साथ चल के आना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हत वालसकी वा तुम जब इकामत हो जब तुम इकामत सुनो तो नमाज की तरफ ऐसे चलो कि तुम्हारे ऊपर वक़ार और सकीनत होनी चाहिए सुकून से और बिल्कुल वक़ार के साथ में अदब के साथ में नमाज के लिए सफ में शामिल होने के लिए आओ वला वे ओ भागते हुए मत आओ वे ओ दौड़ के मत आओ फमा अदरक तुम फसलू वमा फकुम फू जितनी नमाज मिल जाए पढ़ो और जो तुमसे छूट जाए उसको पूरा करो भाई अगर रकत छोड़ जाए तो क्या होगा उसको बाद में पूरा कर सकते हैं लेकिन दौड़ कर आने में नमाज आपकी भी खराब होगी दूसरों की भी खराब होगी क्यों इसलिए कि नमाज का सिर्फ पढ़ना मतलूब नहीं हैदी सलाम खाशन ईमान वाले कामयाब हो गए कौन से ईमान वाले जो अपनी नमाजों में खुशु का अहतमाम करते हैं खुशबू में एक चीज़ ये भी है कि इंसान का दिल नमाज में खोया रहे नमाज में वो गर्क रहे। अब पीछे से दौड़ के आने वाले क्या करेंगे जो लोग नमाज में थे उनका ध्यान उनकी तरफ़ होगा कोई दौड़ के आ रहा मारने को तो नहीं आ रहा मालूम नहीं क्या हो रहा है तो उनका ध्यान भटकेगा तो ऐसा कोई काम करना जिससे नमाज़ियों का ध्यान ख़राब हो ये भी ठीक नहीं है उसमें से एक चीज़ यह भी है कि इंसान नमाज के लिए दौड़ कर आए बल्कि एक और हदीस है इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है मुस्लिम की रिवायत में है आपने फरमाया फ इन इसलिए कि तुम में से जब कोई आदमी नमाज के इरादे से चलता है तो वो नमाज ही में होता है यानी नमाज में कोई दौड़ता गया नहीं तो नमाज के लिए आने वाला नमाज ही में होता है उसको दौड़ के नहीं आना चाहिए तो जो इंसान नमाज के लिए आ रहा है वो सुकून वक़ार से आए दौड़ के नहीं आए लेकिन रकत पाने के लिए लोग क्या करते हैं दौड़ के आते हैं ये ठीक नहीं है इससे बचना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर आठ सजदे में दोनों कोहनियाँ जमीन पर बिछा देना खास करके औरतों में चीज देखने में आती है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वला यबसुत में से रहो। किसको कहते हैं बैलेंस रहना बैलेंस रहना किसको कहेंगे कि इंसान न बहुत सिमट जाए न बिल्कुल अपने आप को जमीन पर बिछा दे सदे में कैसा रहना है बिल्कुल एतदाल के साथ आदमी सद्दे में रहे न एकदम इतना फैल के सद्दा करें कि वो अपना बैलेंस कायम न रख सके जमीन पे पेट चिपक जाए न इतना अपने आप को समेट लें कि बिल्कुल कोहनिया तक जमीन पे टिक जाए बल्कि सद्दे में एतदाल कायम होना चाहिए मसनून से सद्दा करना चाहिए और आपने फरमायाब सुहदल्ब तुम में से कोई शख्स अपने दिरा को ये जो है दिरा होता है कोहनी तक का हिस्सा पूरा दिरा होता है तुम में से कोई शख्स जमीन पर कुत्ते की तरह अपने बाजुओं को बिछाए नहीं कौन बिछाता ऐसा कुत्ता बैठता तो कैसा बैठता अपनी बाजू जो इस तरह से जमीन पर बिछा कर बैठता है तो आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने बाजुओं को जमीन पर बिछा कर ना बैठे यानी सजदे में इस तरह से जैसे कुत्ता बैठता है वैसे सद्दा न करें तो अल्लाह के नबी सल्ला और इसमें से मना किया लेकिन आप देखिए आम तौर से खुतिन में ये चीज़ देखने में आती है औरतें जब सद्दा करती हैं बहुत सारी उनको मालूम नहीं होता है तो कैसा सद्दा करती पूरे हाथ जमीन पे हथेलियां भी टिका देती हैं और कोहनियां भी टिका देती हैं सदे का सही तरीका क्या है कि हथेलियां इंसान जमीन पर टिकाएं लेकिन कोहनिया उठा लें कोहनियाँ उठाना चाहिए तो ये हुक्म किसके लिए औरतों के लिए मर्दों के लिए दोनों के लिए औरतों को भी चाहिए कि जब सज्जा करें तो कोहनियाँ जमीन से उठा लें तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि जमीन पर कोहनियाँ बिछाना ये कुत्ते की मुशाबहत है और सजदे में इससे बचना चाहिए नमाज में हमको कुत्ते की या लोमड़ी की तरह दाएं बाएं देखना नमाज में या कौवे की तरह ठोंग लगाना या इसी तरह से कुत्ते की तरह अपने बाजों को बिछा देना इन तमाम चीज़ों से हमको मना किया गया है जानवर की मुशाभत करने से हमको मना किया गया है इमाम अलबुखारी मुस्लिम दोनों ने हदीस को रिवायत किया है नंबर नौ खुतब जुमा में दूसरों को चुप करना जुमा का खुतबा चल रहा दो आदमी बात कर रहे है आपस में सोने का भाव क्या चल रहा है? आप उसमें बात कर रहे हैं अब तीसरा आदमी होता है क्या करता है खुदबा सुनो ना खुदबे में बात नहीं करते तो इसने क्या किया इसने खुद ने भी बात किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल इसमें फरमायादा कुल जुमाती अनसित वल इमाम वक्त लगाऊ था जब जुमा के दिन तू तो अपने पास वाले साथी से कहे चुप रहो जबकि इमाम खुदबा दे रहा हो तो तुमने भी फजूल काम किया उसने भी गलत काम किया बात करके और तूने भी क्या किया फजूल काम किया क्यों इसलिए कि वो जब बात कर रहा था तो एक बात थी और तू बात करके कितनी बातें हुई दो बात तो तूने बात बा... कम किया कि बढ़ाया घटाया नहीं बढ़ाया बल्कि बात बहुत बढ़ भी सकती है एक आदमी बात कर रहा है अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा है खुदबे में और आप उसको बोले खुद बात चल रहा नजारा सुनो बंद करो फोन खुदबे में बात नहीं करते तो क्या बोलेगा आप क्यों बात कर रहे हैं तो मैं तुमको चुप करने के लिए कर रहा हूं तुम चुप रहो आपसे किधर आया आप तुमसे बोलेगा बात करना है तो बाहर जाओ तो बोलेगा तुम बाहर जाओ बहुत बड़ा हुआ क्या तुम बहुत बड़े क्या निकलो बाहर होने तो नमाज देखते हैं फिर बाहर जाके बोल नमाज से पहले भी निकल सकते वो लोग बाहर देर क्यों अभी चलो बाहर तो बाहर जाके झगड़ा कर रहे हैं दोनों या मस्जिद में ही मारपीट शुरू गई तो बाजत कोई चीज़ होती है छोटी होती है लेकिन उस चीज़ को रोकने की कोशिश बढ़ाने का जरिया बनती है अगर आग इलेक्ट्रिक के तार में लगी हुई हो तो पानी डालते पानी डालने से क्या करते लोग मना करते हैं इससे और क्या होगा मसला बढ़ेगा पानी नहीं डालते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रोकने की कोशिश होती है लेकिन उससे मसला बढ़ता है इस हदीस से बात मालूम होती है कि इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी आया और मस्जिद के कोने में खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया साहबा बैठे हुए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं साहबा ने मस्जिद में पेशाब सीधा उठ के चिल्लाने लगे उसको रोकने के लिए सार के सार साहबा उठने लगे आपने कहा दाऊ छोड़ो उसको उसको छोड़ो दाऊ वाला तजरी मत डांटो उसको जब वो फायरिंग हो गया तो आपने उसको बुलाया कहा मस्जिद में गंदगी पेशाब उशाब नहीं करते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जिक्र करने के लिए तिलावत करने के लिए पेशाब करने के लिए नहीं है उसको मना किया बाद के दौर में उस आदमी ने बहुत ज्यादा दीन सीखा देहात का आदमी था बेचारा आया था कहां से से गांव उसको नहीं मालूम था ऐसे नहीं करना है लेकिन बाद में जब उसने दीन सीखा तो याद करता था अल्लाह के कि नबी कितने प्यार से समझाए थे मुझको साहबा डांटने के लिए उठे इमाम नवी कहते हैं और दूसरे उलमा ने भी कहा है कि उसको तो गलत काम कर रहा था ना वो तो रोके क्यों नहीं आपने रोकने वालों को रोके साहबा उसको रोकने के लिए उठे आपने साहबा को वापस बिठाया रोक के क्यों इसलिए कि अगर साहबा जाते उसको रोकने की कोशिश करते नहीं सुनता घसीटते पेशाब कहाँ हो रहा था मस्जिद के कोने में उसको खींचने से डांटने से और वो अगर भागता और वो पेशाब वो इसी में उसके होता पूरी मस्जिद में होता कि नहीं होता तो गंदगी जो एक कोने में है वो क्या हो जाती मस्जिद के और भी हिस्सों में होती तो गंदगी से मस्जिद को बचाने की कोशिश में मस्जिद में गंदगी ज्यादा होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोशिश बुराई को रोकने की उसको बढ़ाने का जरिया बनती है आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने उसको छोड़ा नहीं अच्छा किया तू जा के नहीं बोले उसको आपने उसको बुलाया लेकिन कब जब वो फारिग हुआ और उसको सही ढंग से समझाया बात उसकी समझ में भी आ गई और बाद में वो आपको याद करता था कितना अच्छा समझाया मेरे को कितना प्यार से समझाए थे ना डांटे डपटे ना कुछ तकलीफ दिए मुझको ना मारे पीटे कुछ भी नहीं इस तरह से आपने समझाया तो फ़ायदा भी हुआ वह आदमी रुका भी बाद में उस चीज़ से उसकी समझ में भी आई और मस्जिद भी ज़्यादा गंदगी उसमें फैलने से बची तो इसको सदे जरिया कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से बुराई हो सकती है तो उसको क्या करना रुक जाना उसको नहीं करना तो यहां पर आपने फरमाया जब इमाम खुतबा दे रहा हो और तुम किसी आदमी को कहो कि चुप रहो तो तुमने क्या किया तुमने भी लगो काम किया लगो का मतलब क्या है फजूल काम है और ईमान वालों की सिफात में कामयाब होने वालों की सिफात में एक सिफत क्या है एक सिफत यह भी है एक सिफ़त ये भी है कि वो लघु कामों से बचते हैं ऐसे कामों से जिनमें कोई फ़ायदा नहीं ना दुनिया का ना आखिरत का ऐसे कामों से वो बचते हैं वह लदीन हमान लगवरदौन अल्लाह ने कहा कि वो लघु कामों से बचते हैं तो इस हदीस को इमाम अलबुखारी ने और इसी तरह से इमाम मुस्लिम ने किताब जुमा में रिवायत किया है तो ये नौ चीज़ें हमने देखी इन शगरब की नमाज़ के बाद देखेंगे अल्लाह तल हम सब के बैठने को कबूल फ़रमाएँ ये बड़ा मशक्क़त का काम है बैठना और बातों का सुनना और उसको याद रखना और नोट करना मजलिसें बाज़ात लंबी हो जाती हैं लेकिन इस तरह से दीनी मजलिस में आदमी अगर बैठे और मशक्क़त बर्दाश्त करें क्या बीद है कि अल्लाह ताली इसी मजलिस को हमारी मफ़रत का ज़रिया बना दे इसलिए कि जब अल्लाह की खातिर कुछ लोग दीनी मजलिस में जमा होते हैं तो उस मजलिस के ख़त्म पर ऐलान होता है ऐसे हाल में इस मजलिस से उठो कि तुम्हारी मकफरत हो गई अल्लाह ताला उन लोगों में से हम सबको बनाए तो इन अल्लाह मगरब बाद हम फिर बैठेंगे और इससे आगे हम सिलसिला जारी रखेंगे अकोलहदी वालकूम